यूपी बोर्ड कक्षा 12 चित्रकला प्राविधिक केवल प्रश्न पत्र के खंड ब के प्रश्न दो ख को आज हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न दो ख इस प्रकार से है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है अथवा कैरेक्टर इज द मिरर ऑफ आवर लाइफ। तो प्रश्न के अनुसार 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी छपाई वाले अक्षर लिखने हैं। तिरछी छपाई वाले अक्षर कितने अंश के कोण पर लिखे जाते हैं, सबसे पहले हमें यह ज्ञात कर लेना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तिरछी छपाई वाले अक्षर हमेशा 75 अंश के कोण पर लिखे जाते हैं। अब अक्षर को लिखने के लिए हमें 1 सेंटीमीटर ज्ञात करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक आधार रेखा खींचते हैं। आधार रेखा खींचने के बाद हम उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर दूसरी समानांतर रेखा खींचने के लिए 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक बिंदु लगा लेते हैं और फिर दूसरे कहीं किसी सिरे पर हम दूसरा बिंदु लगा लेते हैं और उसके बाद फिर सावधानी से एक समानांतर रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार से समानांतर रेखा खींच देने के बाद इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। अब अक्षर लिखने के लिए हम 1 सेंटीमीटर की इस बीच की दूरी को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटने के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच का भाग कुछ बड़ा और ऊपर नीचे के भाग समान होने चाहिए। तो जिस प्रकार से अंग्रेजी की कॉपी में लाइनें खींची होती हैं, उसी प्रकार से हम 1 सेंटीमीटर को 3 भागों में बांट देंगे। बीच का भाग कुछ बड़ा होगा, ऊपर नीचे के भाग बराबर होंगे। इस तरह से 1 सेंटीमीटर को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। अब बांटने के बाद ध्यान रहे कि हमें अक्षर तिरछे लिखने हैं, वो भी 75 अंश के कोण पर। तो 75 अंश कोण ना तो बनाना है और ना ही नापना है, बस अनुमान के तहत 75 अंश के कोण लगभग इस तरह से झुके होते हैं। इसी 75 अंश के झुकाव पर हमें हिंदी अथवा अंग्रेजी में अक्षर लेखन करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम हिंदी में अक्षर लेखन करते हैं। हिंदी में लिखना है, चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है। तो 75 अंश के झुकाव को ध्यान में रखते हुए हम लिखेंगे चरित्र चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण दर्पण है। इस प्रकार से हम हिंदी में चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है लिख लेते हैं। इसके लिखने के लिए पेंसिल को रेगमाल पर अथवा किसी खुरदरी सतह पर घिस करके तिरछा कर लेते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं। इस लेखन के लिए 2B पेंसिल का प्रयोग करने से अक्षर गहरा और स्पष्ट रहता है। इसी प्रकार से हम अंग्रेजी में भी लिखने के लिए 1 सेंटीमीटर की दूरी ज्ञात करके उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और उसके उपरांत अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम अक्षर लेखन का कार्य करके यह प्रश्न नंबर 2 6 नंबर का होता है तो हम परीक्षा में बड़ी सहजता से इस प्रकार से लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में वाक्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखने के लिए पूछता है,
तो पद्धति यही है, केवल हम 1 सेंटीमीटर के स्थान पर 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक स्पेस ज्ञात कर लेंगे, उसे 3 भागों में डिवाइड कर देंगे और उसके उपरांत इसी विधि से हिंदी अथवा अंग्रेजी में 75 अंश पर झुके हुए अक्षरों को लिख देंगे। तो हम उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको तिरछी छपाई के अक्षर लिखने की जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।